रेनी सीजन आते ही फूल पौधे क्या है बहुत अच्छे से जो है ग्रोथ करने लगते हैं, खिलने लगते हैं और गार्डन जो है बिल्कुल हरा भरा जो है दिखने लगता है। लेकिन बरसात में क्या है एक कुछ जो है समस्याएं भी जो है ये लेके आते हैं, जैसे पौधों के लिए कीट पतंगों का जो है अटैक ज़्यादा हो जाता है और इन्हीं कीट पतंगों में से एक जो होते हैं स्नेल और स्लग्स जो क्या है मिट्टी में बहुत जल्दी जो है पनपने लगते हैं। उनका रीज़न ये होता है कि देखिए बारिश होती रहती है लगातार, तो क्या होता है कि ह्यूमिडिटी जो है आसपास जो है बनी रहती है, जिसकी वजह से क्या है ये पनपने लगते हैं। अगर मान लीजिए गमले इकट्ठे रखे हुए हैं, अगर वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं जा रही है, तो इस तरीके से भी क्या है ये जो स्नेल वगैरह स्लग्स वगैरह जो है पनपने लगते हैं। या फिर जो गमले की मिट्टी में जो है पानी हमेशा जो है नमी रहती है, ये भी रीज़न होता है कि इनमें जो है स्लग्स वगैरह जो है पनपने लगते हैं। तो अगर आपके भी गमले में स्लग्स वगैरह स्नेल वगैरह जो आ गए हैं, तो उसे हम अपने पौधों से जो है गमले से कैसे भगाए, तो इसके बारे में ही आज बताने जा रही हूँ, उसका सोल्यूशन करने जा रही हूँ। तो हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो देखिए मेरे गमले में क्या है, आपको यहाँ पे दिखाइए, ये छोटे छोटे से क्या है ये, एक सेकंड, ये छोटे छोटे से क्या है, ये देखिए स्नेल दिख रहे हैं आपको, ये स्लग्स दिख रहे हैं, देखिए ये रेंग रहे हैं और रेंगते रेंगते क्या है पौधों के आसपास चले जाते हैं। और ये क्या करते हैं पौधों की जो जड़ें होते हैं उनको जो है खाने लगते हैं और धीरे धीरे क्या है पौधे के ऊपर भी जो है चले जाते हैं, जिनके वजह से क्या है पौधे जो है ख़राब हो जाते हैं। तो अगर देखिए कितनी भारी तादाद में जो है इनमें पनप गए हैं, देखिए चल रहे हैं धीरे धीरे, तो ये रेंगते रेंगते सारी जो है पौधों की जो है रस जो चूसने लगते हैं। अगर हमने इनको ट्रीटमेंट नहीं किया तो पौधे जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। देखिए जड़ों के पास कितने सारे जो है इकट्ठे हो गए हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि क्या यूज़ करें अपने पौधों में, अपने गमले में, ताकि ये जो स्नेल वगैरह स्लग्स वगैरह हो कंट्रोल कर पाए। तो इनको भगाने के लिए बहुत सारी जो है चीज़ें का इस्तेमाल जो हम कर सकते हैं, तो जिनमें से पहली चीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे जो मैं क्या है अपने गमलों में जो है करने जा रही हूँ, वो है विनीगर। विनीगर देखिए किचन से आसानी से जो है मिल जाएगा, तो विनीगर लेना है आप, एक तो वाइट होता है और दूसरा जो है ब्राउन में आते हैं, तो कोई भी जो है विनीगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विनीगर लेना है, तो यहाँ पे देखिए मैं विनीगर लेके आई हूँ। उसके बाद क्या है यहाँ पे लिया मैंने 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी में हमने करीब जो है 20 ml के करीब जो है हमने, अंदाजे से मैं डाल रही हूँ, 20 ml के करीब जो है हमने विनीगर जो है डाल देना है। उसके बाद क्या करना है पौधे की मिट्टी में पौधों पे अच्छी तरीके से जो है स्प्रे करना है। विनेगर कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, ये कीट पतंगों को मारने के लिए वैसे भी हम अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं, तो पौधों के लिए अच्छा है ये चीज़, गुड थिंग है, तो हम इसका इस्तेमाल पौधों पे जो है हम कर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो ये हो गया, तो चलिए पहले मैं स्प्रे कर देती हूँ। और भी सारे जो है ऑप्शन है जिसका उपयोग करके क्या है हम अपने गार्डन में जो है इन चीज़ों से जो है दूर रख सकते हैं। तो विनेगर डालने से ये हुआ कि इसकी स्मेल जो स्ट्रांग होती है, जिससे पौधे ये में जो ये स्नेल स्लग्स होते हैं दूर भागेंगे, और दूसरा ये इनको क्षति पहुंचाएगा, इनकी स्किन वगैरह जो है ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा जो है पनपेंगे नहीं। तो ये सॉल्यूशन है। तो मिट्टी में साथ साथ क्या है पौधों में भी अच्छे तरीके से स्प्रे करना है। तो देखिए मैं पौधों में भी स्प्रे कर रही हूँ, ये चिल्ली के पौधे हैं और इनमें पनपने का रीज़न आप समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे जो है पौधे लगे हुए हैं, इसमें एरेशन काफ़ी कम हो रही है और ऊपर से ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या है इनमें पनप गए हैं। तो इस तरीके से क्या है अच्छे तरीके से पौधों पर और प्लस मिट्टी में स्प्रे कर देंगे। तो देखिए आपको अभी मूवमेंट करते हुए ये जो है दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये इंस्टेंट जो है काम करता है, एक बार के ही इस्तेमाल से जो है ये जो चीज़ें हैं इस नेल या स्लग्स वगैरह जो है नहीं आपको दिखाई देंगे, यानी कि वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये देखिए इसमें क्या चिल्ली और भी जो है पौधे लगे हुए वेजिटेबल वाले, तो इनमें भी जो है मैं स्प्रे कर देती हूँ। तो चलिए पहला तो ये हो गया सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि दूसरा है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट सीधा इस्तेमाल कैसे करना है, आपने एप्सम सॉल्ट लेना है
जैसे क्या है और मिट्टी में क्या है, बस ऐसे ही जो है एप्सम सॉल्ट जो है छिड़काव कर देना है, ऐसे ही जैसे बिखेर देना है, जिसकी वजह से कट कर देता है, जिसकी वजह से ये ख़त्म हो जाते हैं। तो दूसरा तरीका ये हो गया, आप एप्सम सॉल्ट का जो इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल हम पौधों पे करते हैं ताकि पौधे जो है हरे भरे ग्रीन रहें। तो एप्सम सॉल्ट का है ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर ऊपरी सतह पर जो हम एप्सम सॉल्ट जो ऐसे ही रख सकते हैं। और दूसरा सॉल्ट जो है नॉर्मल जैसे खाने वाला सॉल्ट है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बट उसका इस्तेमाल कैसे करना है कि आपने उसको जो है गमले की मिट्टी में नहीं डालना है, गमले के जो है साइड में जो है नीचे की तरफ जो है आपने बिखेर देना है, जिसकी वजह से स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है ताकि वो गमले को जो है क्रॉस नहीं कर पाते हैं और ये जो है क्या है भाग जाते हैं। तो दूसरा तरीका इस तरीके से करना है, यानी सॉल्ट का करना है। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो हम वैसे अपने पौधों में यूज़ करते हैं तो हम मिट्टी के ऊपरी सतह पर जो है हम रख सकते हैं। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया सीवीड। सीवीड फर्टिलाइज़र जो है हम अपने पौधों पे इस्तेमाल करते हैं, बस वही है। सीवीड लेके क्या है ग्रेनुलर फॉर्म में ले लीजिए, अगर लिक्विड में लेना है तो लिक्विड भी ले सकते हैं। ग्रेनुलर फॉर्म में आप लेके ऊपरी मिट्टी की सतह पे आप इनको ऐसे ही एप्सम सॉल्ट की तरह जो है चारों तरफ फैला दीजिए। और जो चौथा चीज़ लेना है हमने, चौथा बनाने में थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, यानी कि उसको बनाना पड़ेगा। दो चीज़ें मिला के अपने बनाना है। एक तो लेना है दोस्तों कॉफ़ी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर आराम से जो है घरों में मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है गार्लिक। गार्लिक भी इजीली जो है किचन से जो है प्रोवाइड हो जाएगा। तो लहसुन लेना है, लहसुन के जो है तीन चार कलियां ले लीजिए, गमले में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या है कि आप कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए। तो आपने क्या है लहसुन को क्रश करके यूज़ करना है, यानी कि उसको क्रश कर लीजिए और 5 मिनट के करीब जो है किसी बर्तन में रख दीजिए ताकि उसके जो रस है जो भी है वो जो है पानी में जो है आ जाए। तो उस पानी में क्या है कॉफ़ी पाउडर जो मिला लीजिए, अंदाजे से आप जैसे 2 लीटर बना रहे हैं तो आप 5-6 कलियां लेके क्रश करके पानी में डालिए और उसी पानी में क्या है आप 1 चम्मच के करीब जो है कॉफ़ी पाउडर मिला लीजिए। और बस सिंपल मिलाने के बाद अच्छे तरीके से पौधों पे प्लस क्या है मिट्टी में जो स्प्रे कीजिए। तो ये कुछ हैं इनको भगाने के लिए जो है चीज़ें जिनका उपयोग करके इनको जो है आप भगा सकते हैं। तो देखिए मेरे सारे पौधों में जो है दहल एक एक नुक्का जो है मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए क्या है सभी में जो है स्प्रे कर रही हूँ ताकि ये जो है ख़त्म हो जाए। और एक चीज़ ध्यान देना है कि ये हमने करना कब है। देखिए इससे जो है जो भी आप अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल क्या है इवनिंग के टाइम में अप्लाई करें, यानी कि शाम के वक्त जो है अप्लाई करें, मॉर्निंग में ना अप्लाई करें। तो क्या है ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। इसीलिए क्या है आप क्या है इवनिंग में जो है इस जितने भी सॉल्यूशन है जितने भी जो उपाय हैं मैंने बताए आपको ये स्नेल को स्लक्स को भगाने के लिए, आप इवनिंग के टाइम में जो है इनका जो है आप पौधों पर जो है उपयोग करें। तो बस दोस्तों अगर आपके गमले में भी स्लक्स वगैरह जो है पनप गए हैं तो आप इस तरीके से क्या है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके भगाइए और पौधे को क्या है हेल्दी रखिए। तो देखिए 5-6 गमलों में तो मैंने कर दिया, बाकियों में जो है मैं कर दूंगी। तो बस दोस्तों आई होप मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।